चेंज है ना लेकिन। भाई कितने वाले कुल्फी है? 10 वाली, 20 वाली। अच्छा, 3 20 वाला देना। ये 20 एक 10 वाला देना। 3 20 वाला और एक 10 वाला। गाइज़, ये भुशावल का मशहूर कुल्फ़ी है, आप देख सकते हो कुल्फ़ी वाले का दुकान। फ़क्त 20 रुपीज़ का कुल्फ़ी, एकदम मलाई वाला, ओजी टेस्ट। What's up guys, very good morning and welcome to my vlog. So this is day 3 in Bhusawal and Coco, ikde bag te bag. So guys, aaj dekhte hain ki hum log kya kya karte hain. I hope you guys would enjoy my today's vlog also and stay tuned. Machini guys, abhi doodh wala aaya hua hai aur yahan se hum rassi fek ke doodh lene wale hain. वो झाड़ में अटक गया, वो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का वाटर वॉश करने के लिए, बिकॉज दो दिन से गाड़ी बहुत एकदम धूल धूल हो गया है, वॉशिंग नहीं किया हुआ है। एंड अभी जाके थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे कि आजू बाजू में वाटर वॉश सेंटर कहाँ पे है, ताकि अच्छे से गाड़ी को वॉश कर सकूं। एंड जाने से पहले तक गाड़ी एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। सो लेट्स गो टू द वाटर वॉश सेंटर नाउ। वेलकम बैक गाइस। सो अभी हम लोग गाड़ी वॉशिंग करने के लिए आए हुए हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी है, सो अच्छे से गाड़ी को धोने वाले हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ द वॉशिंग प्रोसेस हैपेंस। माई कार इज लुकिंग बिफोर एंड अभी हम लोग आफ्टर का भी वीडियो देखेंगे। अभी वैक्यूमिंग हो चुका है और अभी हाइड्रोलिक में चढ़ा के गाड़ी को वाटर वॉश करेंगे।
प्रेशर वॉश चालू है अभी एंड हाइड्रोलिक से अभी नीचे उतारे थे गाड़ी को, डी वॉश भुसावल में है। आप लोगों को अगर वॉशिंग करना है तो भुसावल में आप यहाँ पे आके कर सकते हो, एकदम क्वालिटी काम होता है। गाइस गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है, गाड़ी को पेंट मार लिया व्हाइट कलर। अरे भाई पेंट विंट नहीं किया, ये फोम है गाइस, सो फोम वॉश हो रहा है एंड इसके ऊपर पानी डालेगा तो आप फिर वापस अपना गाड़ी का कलर वापस आ जाएगा। वो फाइनली वॉशिंग हो चुका है एंड अभी फाइनल क्लीनिंग चल रहा है। अब देख सकते हो गाड़ी के जैसे एकदम चकाचक दिख रहा है। सो दिस इज आफ्टर वॉशिंग एंड चेकआउट द कार, चेकआउट माय लोगो। ऑलराइट गाइस, सो द वॉशिंग इज डन एंड अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। What's up? So guys, now I am at Divine Tattoos. So the studio is in Bhusawal and I've come here to meet the artist over here and to show you guys how Divine Tattoos is. So let me take you inside and show you the studio tour and also let's meet the artist. Hello. Hello. So guys, meet Pratik. He is the owner of Divine Tattoos and he is Piyush, his younger brother. So he is also doing tattoos now. Studying now tattoos. Yeah, he is learning tattoos under Pratik. So now Pratik is going to show us his studio and let's go and see the studio tour now. So Pratik, आपके बारे में थोड़ा बताओ एंड आप कहाँ से सीखे, कैसा टैटू चालू किए? टैटूइंग में 2018 में सीखा हूँ, डोंबिवली से। कलामंच टैटू स्टूडियो, संदीप जाधव करके आर्टिस्ट है, संदीप मेरा दोस्त है, बोला उनसे सीखा, बहुत सही सिखाते हैं वो लाइक। सो वहाँ पे मैं तीन थ्री मंथ्स सीखा था, उसके बाद में फिर शुरू किया था टैटू। ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, ये पोर्ट्रेट टैटूज है कुछ जो रिसेंट मैंने बनाया हुआ है। एक मैंने कस्टमाइज किया था टैटू बॉक्सर के लिए, एक ग्लोव्स आप डिटेलिंग देख सकते हो उसमें। काफी अच्छा बना, देने कलर पीस बनाया था, वो भी कस्टमाइज किया था कपल को। सो ये मेरा सेट ऑफ है, अभी यहाँ पे टैटूइंग करता हूँ, अभी तो ये काम कर चुका हूँ, सो ये क्लीन कर चुका हूँ। Thank you.
प्रतीक से मैं अभी उनका लोगो के बारे में बात कर रहा था, तो ये उनका नया लोगो है। सो प्रतीक अभी उनका लोगो के बारे में बताएंगे कि क्या उनका लोगो का मीनिंग है, कैसा उन्होंने डिजाइन किया। एक्चुअली ये लोगो मैं खुद मैंने खुद से बनाया, मैं इमेजिन करके, और उसका ये जो डिज़ाइन है सर्कल टाइप्स 3.5 लाइक राउंड शेप्स है उसमें, तो वो आइडिया उसके पीछे ऐसा है कि एक डिवाइन बोले तो भगवान का लाइक जो भी है स्पिरिचुअल, तो मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ रोज। सो मुझे पता है वो चीज़ एक फ्लो, वो मेरा फ्लो है कि लाइक ऑलवेज बीन प्रेजेंट। सो वो चीज़ के लिए मैंने वो बनाया था लाइक डिवाइन, तो वो एक्सप्रेस करता है कि ये लाइक फ्लो है का गॉड का भगवान का। सो वो हिसाब से एंड उन्होंने उसके पीछे ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल उसके पीछे इसलिए डाला है कि अपने हर किसी इंसान के बॉडी में कुंडलिनी करके एक शक्ति रहती है जो अपना बैकबोन रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर शेप में लास्ट बोन जो रहता है ना, स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल जो रहता है उस पे वो शेप लेता है लाइक वो उसमें गढ़ी हुई रहती है कुंडलिनी शक्ति। तो वो जब सेल्फ रियलाइज होता है आदमी, तो वो ऊपर उठती है और लाइक सहस्त्रारा में जाके बैठती है, तो ये फ्लो आता है तब, तो पूरा वो जो रहता है क्या बोलते हैं उससे अनलोग लाइक ये टॉप व्यू है उसका, अगर टॉप से देखा जाए तो फिर वो ऐसा दिखता है, इसलिए मैंने वो बनाया था। अच्छा, बहुत ही एक यूनिक लोगो है इनका। गाइस वी हैड अ सुपर नाइस टाइम विद प्रतीक, थैंक यू प्रतीक फॉर होस्टिंग मी हियर। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, घर पे जाना है, खाना खाना है, अभी भूख लग रहा है, तो नाउ लेट्स लीव। गाइस अभी हम लोग भुसावल का खाऊ गली में आए हुए हैं, आप देख सकते हो लाइन से खाने का दुकान है, चाइनीज स्टॉल है, कबाब है, पाव भाजी है, यहाँ पे फलूदा है, अभी देखते हैं कि किधर जाके हम क्या खाने वाले हैं।